In this session, we are going to discuss the limitations of the state capacity. What is state capacity? the ability of the state to attain policy goals, whether in democratic or international domain, by having an idea behind as it is not uniformly capable to fulfill all requirements of political arenas to state capacity? क्या है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ द स्टेट बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ स्टेट हेयर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन जनरल टर्म्स बट विद द रेफरेंस टू द दैपेबिलिटीज इन पर्टिकुलर स्पीयर्स स्टेट कैपेसिटी एक तरफ बज़ाहिर बहुत सिंपल सी बात लगती है कि क्या स्टेट वो सारे टारगेट्स वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकती है वो इतनी केपेबल है उसके अंदर अपने लोगों को मुतमन करने के लिए या एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर अपने आप को मनवाने के लिए उसके पास सलाहियत मौजूद है तो ये आ, आज के टाइम पीरियड के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट कैपेसिटी देन एक्चुअली वी हैव टू डिस्कस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेदर द स्टेट हैज द एलिमेंट्स लाइक टू मैंटेन द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट लाइक टू अचीव द इकनॉमिक टारगेट्स लाइक टू अचीव द पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव और वेदर द स्टेट हैज़ द कैपेसिटी हम ये बात नहीं कर रहे कि स्टेट डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है हम एक्चुअली स्टेट की उन कैपेबलिटीज़ के बारे में समझना चाहते हैं जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर सोशल जस्टिस अपनी इकनॉमिक डिवेलपमेंट के टारगेट्स अपने पोलिटिकल डिवेलपमेंट के टारगेट्स को अचीव कर सकती है या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है सो देर इज अ सॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स वेदर फॉर रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बींगू अचीव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स द सिचुएशन अंडर कंपेरेटिव अनालिसिस रिवील्स द वेरिएशन अमंग स्टेट्स फॉर मोबिलाइजिंग कैपेसिटीज़ टू गन अ कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एफर्ट शुरू से लेकर हिस्टोरिकली अगर हम इसका एनेलिसिस करें हमेशा से स्टेट्स के दरमियान एक मुकाबला रहा कि वो किस तरीके से दुनिया के नक्शे के ऊपर अपने आप को ज़्यादा कॉम्पिटेंट पार्टी के तौर पर मनवा सकें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखा हमने देखा कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली ख़ुद को एडवांस करने के बाद वो टारगेट अचीव करना चाहती हैं कि दुनिया के नक्शे पर उनका एक मुकाम हो उनका एक स्टेटस हो लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि इस कंपटीशन में कुछ स्टेट्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रास्ता इख्तियार करती हैं यानी एक दूसरे पर इंसार भी करती हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन भी यानी स्टेट अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए बाज़ात ग्रुप्स को भी ज्वाइन करती है और बाज़त अपने जैसी और स्टेट्स के साथ उसका कंपटीशन भी होता है सो द ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी इनेबल स्टेट टू बी एडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएटेड बाय द न्यू मीनस टू गवर्न इंडस्ट्रियल चेंज लेकिन यहाँ एक बहुत क्रिटिकल एक पॉइंट है जो हमें ज़रूर समझना है स्पेसिफ़िकली एज द स्टूडेंट्स ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी दैट व्हेन देर इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्टेट के पास कैपेसिटी ज़्यादा नहीं थी उसने रास्ता इख्तियार किया कि वो दूसरों के साथ मिलकर उनके कोऑपरेशन से सिचुएशन को इम्प्रूव करे अब इस ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ के अंदर ये देखा जाएगा कि क्या उस वक्त जो एक्सटर्नल लेवल पर यानी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसकी इम्प्लीकेशन्स क्या हुई उस स्टेट की अपनी इंटरनल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के ऊपर क्योंकि अगर आप बाहर से ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो बिल आकर उसकी इम्प्लीकेशन या कॉम्प्लिकेशंस आपके सिस्टम के अंदर जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं मसलन आप आर्टिफिशियल डेवलपमेंट के लिए अगर बहुत सारा लोन ले लेते हैं और वो लोन आप अल्टीमेटली यू हैव टू पे बैक और फिर या उसका इंटरेस्ट आपको देना है तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो स्टेट की कैपेसिटी को फर्दर वीक कर देंगे तो जहाँ ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू सेटिस्फाई द पीपल विद इन द स्टेट और स्टेट को अपने स्टेटस के लिए एफर्ट करनी है वहाँ ये भी देखना है कि स्टेट अपनी कैपेसिटी अपनी ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के अंदर इतना ना इन्वॉल्व हो जाए कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी जो इम्प्लीकेशनस हैं वो फिर उसको बाद में फ़ेस करना पड़े और अल्टीमेटली उससे नुकसान किसका होगा उससे खुद स्टेट का नुकसान होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं